नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं गुरु का रत्न पुष्कर राज के बारे में। ऐसे तो मार्केट के अंदर गुरु के नाम पे बहुत सारे रत्न बिकते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य दो क्वालिटी है उसकी चर्चा करते हैं। एक है बैंकों की पुखराज, जो डार्क कलर का होता है, सस्ते में सस्ता और महंगे में महंगा आता है। बैंकॉक से 3 गुना ऊंचा सिलोनी पुखराज होता है, जो लाइट कलर का होता है लेकिन बहुत ही कॉस्टली होता है, जो हमारी बजट से बाहर जा सकता है। गुरु का कलर कैसा होता है? तो पलाश के पुष्प जैसा उसका कलर होता है। अभी हम जानेंगे कि गुरु का रत्न किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए। तो सबसे पहले किसे नहीं पहनना चाहिए, तो ध्यान से सुनना। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु मारक बन के बैठा हो उसे तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। जिसकी भी कुंडली में गुरु निचका होके बैठा हो उसे भी नहीं पहनना चाहिए। गुरु निचका होके वक्री हो उसे तो गलती से भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसकी निचता 3 गुनी बढ़ जाती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु 3, 6, 8, 12 इन स्थानों में बैठा हो उसे भी गुरु का रत्न बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, वरना बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो किसे पहनना चाहिए, तो सुनिए। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु लग्नाधिपति हो, पंचमाधिपति हो, भाग्याधिपति हो, कर्माधिपति हो, कुंडली का शुभ ग्रह हो, राजयोग कर्ता ग्रह हो, कारक ग्रह हो और वो निर्बल हो, अस्त हो, कमजोर हो, बलहीन हो, 1 से 6 डिग्री के अंदर बाल्यावस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, आखिरी डिग्री में हो यानी कि मृत अवस्था में हो, उन लोगों को गुरु का रत्न पुष्कराज पहनना फायदेमंद होता है। प्रिय दर्शकों, गुरु का रत्न पहनने के लिए और भी एक अंदर नियम जाते हैं और स्टेप अंदर जाते हैं कि कुंडली के कौन से लग्न वालों को पहनना चाहिए, कौन से लग्न वालों को नहीं पहनना चाहिए। तो आइए देखते हैं। जिसकी भी कुंडली में मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, धनु लग्न हो और मीन लग्न हो, इन लोगों को गुरु का रत्न पुष्कराज पहनना अति 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 लाभकारी साबित होगा। और अभी किसे नहीं पहनना चाहिए, तो आइए देखते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो, मकर लग्न हो और कुंभ लग्न हो, इन लग्न वालों को गुरु का रत्न पुष्कराज गलती से भी नहीं पहनना चाहिए, वरना शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, आर्थिक नुकसानी हो सकती है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं, जब भी किसी ने गुरु का रत्न पुष्कराज पहना हो तो कौन से रत्न उसके साथ पहन सकते हैं और कौन से रत्न उसके साथ नहीं पहन सकते, तो सुनिए। गुरु ग्रह के 3 मित्र हैं, चंद्र, मंगल और सूर्य, तो ये तीनों के रत्न गुरु के साथ पहन सकते हैं यानी कि पुष्कराज के साथ। तो सुनिए, जब भी किसी ने पुष्कराज का रत्न पहना हो तो उसके साथ चंद्र का मोती पहन सकते हैं, मंगल का मुंगा पहन सकते हैं, रवि का माणिक पहन सकते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए, तो सुनिए। जब भी किसी ने गुरु का पुष्कराज पहना हो तो वो गलती से भी बुध का पन्ना ना पहने, शुक्र का हीरा ना पहने, शनि का नीलम ना पहने, राहु का गोमेद ना पहने और केतु का लसुनिया भी ना पहने। क्यों? क्योंकि जब भी गुरु राहु साथ में बैठते हैं तो विप्र चांडाल योग निर्माण होता है। जब भी गुरु केतु साथ में हो तभी भी विप्र चांडाल योग होता है, इसीलिए जब भी गुरु का रत्न पहना हो तो गोमेद लसुनिया तो गलती से भी न पहनना, वरना अच्छा फल छोड़ो बुरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। गुरु का रत्न कितने वजन का होना चाहिए, तो ध्यान से सुनना। गुरु का रत्न कम से कम 3 कैरेट का आप पहन सकते हो, ज्यादा में ज्यादा आप 11 कैरेट तक भी पहन सकते हो। लेकिन फिर से एक बार कहूंगा कि गुरु का रत्न कितने वजन का पहनना है, ये जानने के लिए किसी विद्वान, ज्ञानी, जानकार, ज्योतिषकार के पास जाइए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कीजिए और उनका परामर्श लेने के बाद ही निर्णय लेना कि आपको गुरु का रत्न कितने कैरेट का पहनना है और गुरु के रत्न के साथ और कौन सा रत्न अटैच कर सकते हो, साथ में पहन सकते हो। प्रिय दर्शकों, गुरु का रत्न आपको कहां पे पहनना है वो भी सुन लीजिए।
अपने राइट हैंड की पहली अंगली, जिसे हम लोग तर्जनी कहते हैं, अपने राइट हैंड की पहली अंगली के अंदर आप गुरु का रत्न सोने की अंगूठी में मढ़वा सकते हो, या फिर आप पेंडल के अंदर सोने के अंदर बना के पहन सकते हो। अब ये कैसे पहनना है तो ध्यान से सुनना। गुरु का रत्न मढ़वाने के बाद घर पे लाना है, पानी से, पंचामृत से पानी से उसका स्नान कराना है, उसके बाद उसके ऊपर दूध की धारा करते हुए 108 गायत्री मंत्र का जाप करना है। जिनको भी गायत्री मंत्र नहीं आता है वो लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जाप करते हुए उसके ऊपर दूध की या फिर पानी की धारा करते हुए उसका पवित्रकरण करें। क्यों? ये रत्न न जाने कहां से कहां तक पहुंचा, उसमें कितने लोगों का दोष लगा हो, उसका परिहार करने के लिए उसका पवित्रकरण करें। उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो सुनिए कैसे करना है। गुरु ईशान्य दिशा का स्वामी है, इसीलिए ईशान्य कोण के अंदर आपको एक लकड़ी का पाट रखना होगा, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाना होगा, उसके ऊपर चने की दाल बिछानी होगी, उसके ऊपर दो विड़ा के पत्ते रखने होंगे, आगे के पत्ते के ऊपर गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखें और गणेश जी के ठीक पीछे जड़ा हुआ पुखराज रखें। पाट के ऊपर आपके राइट साइड पे एक दिया जलाए और लेफ्ट साइड पे दो अगरबत्ती जलाए। आपका मुंह ईशान्य कोण में होना चाहिए और आपको मंत्र बोलना है, ध्यान से सुनना। ओम रिम गुरुवे नमः, ओम रिम गुरुवे नमः, ओम रिम गुरुवे नमः, ये मंत्र का 21,000 बार जाप करना है। 21,000 मंत्र जाप करने के लिए कम से कम 7 घंटे लग सकते हैं, ज्यादा में ज्यादा 11 घंटे लग सकते हैं। और मैं कहूंगा ये मंत्र आपको खुद करना है, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, दिल से मंत्र जाप करने हैं। मंत्र जाप करने के बाद आपको ये रत्न कब पहनना है तो उसकी भी जानकारी देता हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं, उसमें पहला है पुनर्वसु, दूसरा है विशाखा, तीसरा है पूर्व भाद्रपद। इन 3 नक्षत्रों के अंदर जब गुरु की होरा आती है तब आप गुरु का रत्न पहन सकते हो। और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करते हैं कि शुक्ल पक्ष क्या पहला गुरुवार जब आता है तो सुबह सुबह सूरज उगने के 1 घंटे के अंदर गुरु की होरा होती है, तभी भी आप गुरु का रत्न पहन सकते हो। प्रिय दर्शकों, गुरु का रत्न पहनने से क्या लाभ होता है वो मैं आपको बताता हूं। गुरु का रत्न पुष्कराज, ये गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और उसके कॉस्मिक रेस हमारे बॉडी के अंदर पास करता है और जिससे हमारे बॉडी की जो ओरा है वो पवित्र होती है। गुरु का जो तत्व हमारे शरीर में कम है वो भरपाई होता है। आपने गौर किया है कुंडली के अंदर गुरु नवम भाव का मालिक है और 12वें स्थान का मालिक है, तो गुरु का रत्न पहनने से कुंडली के हिसाब से क्या होता है, भाग्य की वृद्धि होती है, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा यश जस कीर्ति प्राप्त होती है। गुरु का रत्न पहनने से शरीर की तंदुरुस्ती अच्छी होती है, चेहरा एकदम ओजस वाला हो जाता है, चेहरे पे तेज आता है, नूर आता है। गुरु का रत्न पहनने से व्यक्ति धार्मिक होता है, श्रद्धालु होता है, ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है, पूजा पाठ होम हवन में मानने वाला होता है। गुरु का रत्न पहनने से हमारा शरीर काफी हद तक स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होता है। किसी को भी कर्जा हो सर पे और कर्जा वो भर न पाता हो तो भी गुरु का रत्न पहनना बहुत लाभकारी है। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक खास बात मैं कहूंगा कि जो लोग भी गुरु का रत्न पहनते हैं उन्हें गलती से भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मांस मच्छी मटन नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, सट्टा जुगाड़ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें गुरु के विरुद्ध में है। गुरु यानी कौन? गुरु यानी ब्राह्मण। उसका कलर होता है पीला। आपने कभी गौर किया है स्कूल की बसों का कलर होता है पीला, जो अंधेरे में भी दिखती है। तो गुरु यानी कि हमारे गुरु, और हमारे गुरु जब हमारे साथ हो तो क्या हमें कोई गलत काम करना चाहिए? नहीं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि गुरु का रत्न जब भी पहनाओ गलत काम ना करें, वरना उसका फल ना मिलेगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।